दोस्तों आप सभी को नमस्कार और आप सभी को वेलकम है चैनल वन गार्डन पर। आज हम लोग देखेंगे कि 8 इंच का पॉट से 12 इंच का जो बड़े पॉट है उसमें आप अपने क्रिसेंथम को कैसे रिपोर्ट करें। हालांकि पिछले वीडियो में मैं आपको दिखा चुका था कि इसके लिए जो क्रिसेंथम का जो फाइनल पॉटिंग सॉइल होता है उसका कॉम्बिनेशन कैसा है। दोस्तों ये क्रिसेंथम मिशन 1000 की पार्ट 16 है। अगर आप इस सीरीज़ को पहले से नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सभी पार्ट को आप देख सकते हैं। हालांकि 7 दिन पहले ही मैंने 8 इंच का पॉट से 12 इंच का पॉट में इस सभी प्लांट को शिफ्टिंग कर चुका हूँ और 7 दिन तक मैंने कोई वीडियो आपको अपलोड नहीं किया था मैंने समय के कारण। आप देख सकते हैं कि सभी प्लांट का ग्रोथ एक जैसा नहीं है। हालांकि कुछ कुछ प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा हो चुका है कुछ कुछ वैरायटी का ग्रोथ थोड़ा अलग सा हुआ है। हालांकि मैं सभी को एक ही प्रकार का इसको ट्रीटमेंट दिए थे और बाकी मेरा कुछ प्लांट जो बाद में ख़रीदा था वो अभी तक भी 8 इंच का पॉट में ही है। मेरे पास सिर्फ 11 पॉट है 12 इंच का और मैंने 11 पॉट में जो प्लांट पहला मेरा खुद का कटिंग था अप्रैल में जो लोग हम लोग शुरू किए थे उसी कटिंग का जो लास्ट वीक में भी आपको दिखाया था सभी 11 प्लांट को मैंने 12 इंच का पॉट में मूव किए है। देखिए थोड़ा मिट्टी सूखा हुआ है। इस तरह सूखा होने के बाद ही आप इसमें पानी ऐड कीजिए और क्योंकि 7 दिन पहले हम लोग इसमें मूव किए थे तो थोड़ा हल्का सा ग्रास भी इसमें हो चुके हैं। और हम लोग इस अभी देखेंगे कि अगर 8 इंच का पॉट से इतना बड़े किसान तुमको आप अगर आपको शिफ्टिंग करना है किसी दूसरे पॉट में तो कैसे करना है उसका भी डिटेल हम लोग देखेंगे। 7 दिन पहले 15 सितंबर को हमने सभी प्लांट को एकदम ओपन सनलाइट में कर दिया। इतना दिन तक प्लांट एकदम शेड में था हालांकि इनडायरेक्ट धूप उसको मिलती थी लेकिन आज से इन सभी प्लांट को एकदम ओपन सनलाइट में रख देंगे परमानेंटली। और उसमें से जो 12 इंच में प्लांट है उसी 12 इंच से हम लोग 12 इंच का पॉट में उसको शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है जो ड्रेनेज होल है आपको ठीक से उसको मैनेज करना है। उसके ऊपर इस तरह का क्ले पॉट का टूटा हुआ पार्ट्स आप दे दीजिए। उसके बाद आप इसके ऊपर एक जो रेत है मतलब कि जो रिवर सैंड है उसका 1/2 इंच का एकदम एक लेयर कर दीजिए। इतना बड़े पॉट में 3 होल ठीक है जो कि मिट्टी का पॉट है और आप उसके राइट में देख सकते हैं कि 8 इंच का पॉट के साथ जो 12 इंच का पॉट का क्या डिफरेंस है आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और जो पॉटिंग मिक्स में पहले भी जो लास्ट वीडियो था उसमें आप लोगों को दिखा चुका हो। अभी देखिए जो नीचे से जो सकर्स निकलेगा मतलब के जो प्लांट है अगर आपको देखेगा ज़मीन के नीचे से कुछ दूसरा इसमें ब्रांचेस निकल रहा है सकर्स निकल रहा है तो आपको उसको काट देना है। और जब भी आप इस तरह प्लांट को किसी भी पॉट से शिफ्टिंग करना है दूसरे पॉट में तब उस तरह आप चारों तरफ से थोड़ा हल्का से इस तरह ठोकिएगा ताकि इसका मिट्टी का साथ जो चिपका हुआ है पॉट के दीवार के साथ वो अलग हो जाए। तो एकदम प्रोसेस इस तरह है थोड़ा ठोकना होगा पहले। अगर आपके पास किसी का प्रेजेंस है तो आप उसका हेल्प लीजिए क्योंकि अकेले अकेले इसको जो अलग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्लांट अभी बहुत बड़े हो चुके हैं और हेल्दी हो चुके हैं और इस दौरान प्लांट को अगर किसी भी तरह डैमेज पहुंचेगा तो आपको बहुत दुख आएगा। देखिए इसका जो रूट स्ट्रक्चर है बहुत अच्छी तरह बन चुके हैं 8 इंच का पॉट में। पूरे के पूरे जो दीवार है उसमें आप देख सकते हैं कि इसका रूट अभी आ चुके हैं क्योंकि पहले से ही मैंने 12 इंच का पॉट में जो फाइनल पॉटिंग सॉइल है उसको भर के रखा था तकरीबन 1 हफ्ता से। तो आपको कुछ इस तरह से पॉटिंग करना है एकदम इजी चीज़ है लेकिन जो कठिन मुझे लगा है जो पुराना जो 8 इंच का पॉट से जब इस प्लांट को खोलना है निकालना है तभी थोड़ा झमेला है। आप किसी दूसरे का भी साथ को हेल्प लीजिएगा अकेले अकेले मत कीजिए। आप सभी जानते हैं कि तकरीबन 4 महीना पहले से ही हम लोग इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिए थे। अभी देखिए पहले तो ग्रोथ रेट उतना ज़्यादा नहीं था गर्मी के कारण अभी प्लांट थोड़ा ग्रोथ मूड में आया है। तो इस दौरान आपको ख्याल रखना है कि प्लांट को लेके आप इतना देर दूर तक आ चुके हैं तो आप किसी भी कारण से इसको डैमेज ना पहुँचे इसका ख्याल रखिएगा और बहुत सावधानी के साथ जो पॉट चेंज कर बनना काम है सावधानी बरतिएगा नहीं तो आपका जो पूरा का पूरा मेहनत है वो पानी पे चला जाएगा। तो इस तरह आप एक एक करके सभी प्लांट को इस तरह सभी पॉट में आप शिफ्टिंग कर दीजिए।
आप इस तरह छोटे स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप आसानी से पॉट से प्लांट को अलग कर सके। आप देखिए इसका रूट स्ट्रक्चर 8 इंच का पॉट में कितना सुंदर हो चुका है, एकदम भरा हुआ है। मतलब कि अभी राइट टाइम है आपको इसको बड़े पॉट में शिफ्ट इन करने के लिए, जो कि 12 इंच का पॉट है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जब आपको रिपीट करना है उसके उसके एक दिन पहले से ही 8 इंच का पॉट में जो प्लांट है उसमें पानी नहीं देना है। तो पानी अगर नहीं देंगे तो थोड़ा मिट्टी सूखा रहेगा, तो आपको पॉट जब चेंज कीजिएगा तब उसको खोलने में आपको बहुत ही आसानी होगा, नहीं तो पानी जो गीला मिट्टी है पॉट के साथ लगा हुआ रहेगा। इस तरह आप सभी प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए। हालांकि मेरा 8 इंच का पॉट का अभी देखिए साइज़ कितना है, और जो 12 इंच का पॉट है उसका साइज़ का डिफरेंस आप देख लीजिए। मतलब कि जो प्लांट बहुत पहले से हम लोग 8 इंच में लगा के रखे है उसका जो रूट स्ट्रक्चर है दीवार पे अटक गया है, उस प्लांट को अभी आप सारा सीजन तक 8 इंच के पॉट में नहीं रख सकते। लेकिन जो लोग अभी प्लांट को परचेस करके लगाएगा वो लोग तो 8 इंच पे का पॉट में चल जाएगा, लेकिन अगर कोई अगर 3 महीना पहले से 8 इंच का पॉट में लगा चुके हम लोग हम जैसे जो लोग आगे स्टार्ट किए उन सभी को पॉट चेंज करना होगा। सभी पॉट 12 इंच का पॉट है, लेकिन अगर आपका प्लांट अभी मीडियम साइज़ का है तो आप 10 इंच का पॉट में लगाइए, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि अगर आप छोटे प्लांट को भी एकदम 12 इंच के पॉट में लगा देते हैं तो आपका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको पिंचिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, अभी जो नया फर्टिलाइज़र देना है वो है मस्टर्ड केक, और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि किस अंतंग के लिए कैसे लिक्विड मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बनाना है और उसको कैसे देना है। इसका डिटेल वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीक में अपलोड करेंगे, और आप देख सकते हैं कि प्लांट को रिपोर्ट करने का 7 दिन के बाद इसमें थोड़ा बहुत घास फूस हो चुके हैं छोटे छोटे, मतलब कि इसका काम चल रहा है अच्छा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कुछ लोग पूछे थे कि एक बड़े पॉट में कितना प्लांट लगाए एक साथ, मेरा उत्तर जो है वो है एक प्लांट लगाएगा सिर्फ एक पॉट में, चाहे पॉट का साइज 10 इंच हो या 12 इंच हो या 8 इंच हो, लेकिन एक ही पॉट में एक ही प्लांट रहेगा। आप लोग सुन लीजिए, अगर दो प्लांट लगाएंगे तो आपका प्लांट में फ्लोरिंग तो आ जाएगा लेकिन कभी भी प्रोफेशनल लुक में नहीं आएगा। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे इसका अपडेट लेके। नमस्कार।